नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो आज वर्ल्ड कप में दो मैच खेले जाने वाला, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश जो कि फर्स्ट मैच है ये, और सेकंड मैच अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है। तो दोनों ही मैचों के ड्रीम11 की टीम में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच है फर्स्ट मैच, उस मैच के ड्रीम11 टीम की, और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के ड्रीम11 टीम इस वीडियो के बाद ही मैं डाल दूंगा, थोड़ी देर बाद ही। तो आप मतलब इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का जो वीडियो ये देखते देखते ही मैं डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखेगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच होने वाला है उसकी, ड्रीम11 की टीम की। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले मैच से परफॉर्म करने वाले प्लेयरों की। तो इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता है, बोलने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों टीमों के पिछले प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की। इंग्लैंड का पिछला प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, जेसन रॉय थे, जॉनी ब्रेस्टो, जॉय रूट, इवन मॉर्गन, जॉस बटलर, बेन स्टोक, मोइन अली, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, जोपरा आर्चर और आदिल राशिद। तो ये इनका पिछला प्लेइंग 11 था। और पिछले मैच में जो इस बैट्समैन ने स्कोर किया था, आप देख सकते हैं, जॉय रूट ने 107 यानी 107 रन बनाए थे, जॉस बटलर ने 103 यानी 103 रन बनाए थे, जॉनी ब्रेस्टो ने 32 यानी 32 बनाए थे। इसके अलावा जिन बॉलर ने विकेट लिया था, क्रिस वोक्स और मोइन अली ने 3-3 विकेट लिए थे और मार्क वुड ने 2 विकेट लिए थे। तो ये जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे मैंने उनके परफॉर्मेंस दिखा दिया हूँ, बॉलर जिन बॉलर ने विकेट लिया था और जिन बैट्समैन ने स्कोर किए थे, तो इनको अगर अपनी टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का जो पिछला प्लेइंग 11 था आप देख सकते हैं, तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, साकिब हसन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, मोहम्मद मिथुन, मुसद्दक हुसैन, मुशरफ़ मुर्तजा, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहंदी हसन, इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान। तो ये इनका पिछला प्लेइंग 11 था। पिछले मैच में जिन बैट्समैन ने स्कोर किया था आप देख सकते, साकिब हसन ने 64 यानी 64 बनाया था। इसके अलावा कोई बैट्समैन उतना खास स्कोर नहीं किया था, इसलिए मैं किसी और बैट्समैन का स्कोर नहीं दिखा रहा हूँ। तो एक ही बैट्समैन साकिब हसन 64 मारे बनाए थे। और इसके अलावा जब विकेट लेने वाले बॉलर थे आप देख सकते थे, चार बॉलर को 2-2 विकेट मिला था, मोहम्मद सैफुद्दीन को 2 विकेट, साकिब हसन को 2 विकेट मिला था, मेहंदी हसन को 2 विकेट मिला था, मुसद्दक हुसैन को 2 विकेट मिला था। तो ये जो बॉलर थे जिन बॉलर ने विकेट लिए थे इनका परफॉर्मेंस था, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। और साकिब हसन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा खेल रहे, इससे आपको तो पिछले मैच से जो पहला वाला मैच हुआ था उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, तो इनको अपनी टीम में जरूर लीजिएगा। चलिए फिर बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो ड्रीम इलेवन टीम में हमेशा की तरह बात करेंगे, सबसे पहले हम विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में आपको बता दो, आपके पास चार ऑप्शन है, चारों आप विकेट कीपर ले सकते हैं या फिर किसी दो के साथ जा सकते हो, जैसे मैंने दो को लिया। जॉर्ज बटलर की बात करते हैं, पिछले मैच बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप देख सकते 71 रन कलेक्ट किया और इस मैच में 58% लोगों ने लिया, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन है लिटिल दास के खेलने का कोई चांसेस नहीं, तब इनको ना ले तो ये अच्छा होगा। तो तीन ऑप्शन आपके पास बचते हैं, जॉस बटलर, मुशफिकुर रहमान, जॉनी ब्रेस्टो। तो आप अगर तीनों के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं तो किसी दो के साथ भी जा सकते हो आप या फिर किसी एक के साथ भी जा सकते हो। मैं यहाँ पर दो विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ, मुशफिकुर रहमान और जॉनी ब्रेस्टो के साथ जा रहा हूँ, या फिर आप या तो आप जॉस बटलर और मुशफिकुर रहमान के साथ जा सकते हो, जॉस बटलर जॉनी ब्रेस्टो के साथ जा सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किन कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप इससे सेटिस्फाई तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, मुशफिकुर और ब्रेस्टो के साथ। इसके बाद बात करते हैं अब बैट्समैन की। तो मैंने जॉय रूट को लिया, तमीम इकबाल को लिया, जेसन रॉय को लिया, सौम्य सरकार को लिया। इसके अलावा ले सकते इवन मॉर्गन को, महमूदुल्ला को ले सकते हो, इसके अलावा मोहम्मद मिथुन। तो ये तीन चार ऑप्शन आपके बचते हैं, आप इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो या फिर जो चार बैट्समैन मैंने लिया अगर इससे सेटिस्फाई तो इनके साथ जा सकते हो, जॉय रूट, तमीम इकबाल, जेसन रॉय, सौम्य सरकार। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर में साकिब हसन और बेन स्टोक को लिया, इसके अलावा मोइन अली को ले सकते हो, मुसद्दक हुसैन को ले सकते हो। तो दो ऑप्शन आपके बचते हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। और जो दो ऑलराउंडर मैंने लिए आप देख सकते हो, साकिब हसन और बेन स्टोक है। आप एक बैट्समैन कम लेके या फिर एक विकेट कीपर कम लेके एक ऑलराउंडर ले सकते हो, आप तीन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना, जो दो मैं सजेस्ट करूँ इनके साथ जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, साकिब हसन और बेन स्टोक के साथ। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में मैंने क्रिस वोक्स को लिया, जोफ्रो आर्चर को लिया है और मोहम्मद सैफुद्दीन को लिया है। तो तीन बॉलर मैंने लिए, इसके अलावा ले सकते हो मुस्तफिजुर रहमान को, मुशरफ़ मुर्तजा को ले सकते हो, आदिल राशिद को भी आप ले सकते हो। इसके अलावा जो बाकी का मेहंदी हसन को ले सकते हो,
और मार्क बोर्ड पिछले मैच में खेले थे तो इनको लोच तो लिया। पुलिंगटन पिछले मैच में नहीं खेले थे तब इनको ना ले तो ही अच्छा होगा। टॉस आने के बाद अगर खेलते तब इनको आप ले सकते हो। इसके अलावा जो तीन बॉलर मैंने लिया अगर इसे सेटिस्फाई है तो इनके साथ आप जा सकते हो या फिर इनको चेंज करके किसी और को भी ट्राई कर सकते हो। जो तीन बॉलर मैंने लिया क्रिस बॉक्स, जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद सैफुद्दीन है। इसके बाद बात करते हैं टीम प्रीव्यू और कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो मैंने यहाँ पे कैप्टन जॉनी ब्रेस्टो को बनाया, वाइस कैप्टन साकिब उल हसन को बनाया। इसके अलावा तमीम इकबाल को बना सकते हो, मुशफिकुर रहीम को बना सकते हो, जॉय रूट, जसन रॉय को भी बना सकते हो आप, इन दोनों में से किसी एक को भी बना सकते हो। बेन स्टोक हो गया आपके पास तो आप इनमें से किसी को भी बना सकते हो, सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो देख लीजिएगा आपको किनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। जो दो मैं सजेस्ट करा अगर इनके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो जॉनी ब्रेस्टो साकिब उल हसन के साथ। तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद लास्ट में फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है आप लोगों को पता है, बोलने की जरूरत नहीं। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। एंड इतने रिक्वेस्ट के बाद आई हो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।